हेलो दोस्तों, फिर हम आ गए हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे हमें आलू उबला हुआ ले लिया, इसको हमने मैश कर लिया। इसमें हम डालेंगे चावल का आटा, 2 चम्मच हमने चावल का आटा डाला है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसमें चाट मसाला डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ईजी है और बहुत जल्दी ये बन भी जाता है। तो इस तरीके से हाथों से हम इसको मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारा अपना। तो देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है और एक तरफ अपना पैन रखेंगे, पैन को रख लिया, उसमें ऑयल डाल दिया है। गैस को हम जला लेंगे और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तो ये हमने हाथों में ऑयल लगा लिया है, इसमें हम जो आलू का हम अपना बनाए थे उसको हम एक शेप देंगे। तो इस तरीके से हम लंबा लंबा कर लेंगे इसको, फोक की मदद से हम इसको इस तरीके से दबा देंगे। तो देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन बन गया है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सारा हमने अपना बना लिया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है और आज को हमने धीमे ही रखा है, तो एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए हमने अपना सारा डाल लिया है, अब एक साइड हो गया तो इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा कलर आया है। तो सारा हम अपना पलट लेंगे, दोनों साइड से चेक करेंगे। तो देखिए दोनों साइड से हो गया है, तो इसको हम अब निकाल लेंगे। तो सारा अपना निकाल लेंगे हम, और देखिए हमने निकाल लिया है। अब इसी तरह हम अपना सारा बना लेंगे। तो देखिए हमने बना के अपना रेडी कर लिया है, बीच में हमने एक छोटा सा गोल बना लिया, इस तरीके से हमने शेप दिया है। और एक आप तो तोड़ के दिखाते हैं, ये ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल नरम होता है। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।